सुप्रभात बच्चों, सीआर इंटरनेशनल स्कूल की ई कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था आपका पाठ लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। इसमें जिक्र किया था मैंने कि लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं और जो हनुमान है वो जड़ी बूटी लेने के लिए जाते हैं। उनकी मुलाकात भरत से होती है और भरत के मन में श्री राम के प्रति अपार प्रेम देखकर हनुमान जो है वो राम दोनों भाइयों के बीच जो प्रेम है उसको देखकर गदगद हो जाते हैं और वहां से भरत से अनुमति लेकर आगे चलते हैं। इधर जब लक्ष्मण मूर्छित है तो उधर का दृश्य भी दिखाया गया है साथ साथ में कि राम अपने भाई को मूर्छित देखकर उसका क्या हाल हो रहा है। वो कहता है कि हे भाई, तेरे जैसा भाई नहीं है संसार में। तेरे लिए तो तुमने तो मेरे लिए वनवास में आने के लिए अपनी पत्नी और माता पिता को भी त्याग दिया। लोग मुझे क्या कहेंगे, मैं अयोध्या जाकर क्या जवाब दूंगा। सारी चीजें वापस आ सकती हैं लेकिन हे भाई, तेरे जैसा भाई संसार में मुझे नहीं मिल सकता। इस तरह की लीलाएं करते हुए हमने पढ़ लिया था और श्री राम जो है वो लक्ष्मण के मूर्छित चेहरे को देखकर बहुत व्याकुल है और रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं और उसके साथ साथ वानर सेना भी, ऐसा ही हाल उसका भी हो रहा है। इसके बाद का जो पद हम पढ़ेंगे उसमें आप पढ़ेंगे कि हनुमान जब जड़ी बूटी ले आते हैं, लेकर आने के बाद जो दुख का माहौल है वो खुशी में कैसे बदल जाता है। तो इसका मतलब यहाँ पर है कि करुण रस, जब दुख का भाव होता है तो उसमें करुण रस होता है और जब उत्साह का भाव आ जाता है तो वहां पर वीर रस होता है। तो यहाँ पर ये भी दिखाएंगे आपको कि आप जब आप पाठ पढ़ेंगे तो उसमें ये पता चलेगा दुखी जो सभा थी राम की, और वहां पर जितनी भी वानर सेना या भालू सेना जितनी भी थी वो बड़ी दुखी थी, और फिर हनुमान के आते ही उसमें किस तरह का उत्साह आ जाता है, उमंग आ जाती है, वीर रस का आविर्भाव होता है। और फिर बाद में ये भी दिखाते हैं कि दोनों भाइयों ने, राम और लक्ष्मण ने, जो रावण है उसकी सेना का संहार कर दिया, अर्थात मार डाला है। और रावण जो है वो सारी सेना, जब उसके सैनिक मर जाते हैं तो वो बड़ा दुखी होता है और वो कुंभकर्ण को जगाने जाता है। कुंभकर्ण को किस किस तरीके से जगाया जा रहा है इसकी चर्चा भी हम इस पाठ में पढ़ेंगे। और फिर जब कुंभकर्ण उठता है और रावण उसे बताता है कि मैंने इस तरह से सीता का हरण कर लिया है, तो कुंभकर्ण के जो वचन है उसको सुनकर जो रावण है वो भी कहता है कि हाँ, मैंने गलत ही काम किया, मेरे को इस तरह से नहीं करना चाहिए था। कुंभकर्ण भी समझाता है, हे भाई, तुमने पर नारी पर हाथ डालकर अच्छा नहीं किया है, वो तो साक्षात क्या है, जगत जननी है, और जगत जननी पर अगर आपने हाथ उठाया तो इसका मतलब आप अपनी मौत को बुलावा दे रहे हैं। इतना हम इस पाठ में पढ़ेंगे। तो अब आप अपनी किताब की ओर चलिए और अब हम पढ़ेंगे किताब से। प्रभु प्रलाप सुनी कान विकल भय वानर निकल। यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु के प्रलाप को, प्रलाप का मतलब जो श्री लक्ष्मण के मूर्छित होने पर जब वो दुखी थे, प्रलाप का मतलब दुखी होना, व्यथित होना, दुखी थे, सुनकर उनके दुख को सुनकर या उनके विलाप को सुनकर कान विकल भय, यानी कि वानरों के, वानर का मतलब जो हनुमान प्रजाति के, बंदर जाति के जो लोग थे उनके लिए कहा गया, कहते वानर भी जो है वो कानों में वो पीड़ा दे रहे थे, भगवान इतनी तेज से विलाप कर रहे थे भरत के मूर्छित होने पर। निकर का मतलब वहां पर जितने भी मौजूद थे वो सभी वानर भगवान राम के इस तरह से विलाप करने पर उनके कान भी विकल हो रहे थे, दुखी हो रहे थे, अर्थात उनके कानों को वो आवाज असहनीय लग रही थी। आए गई हनुमान जिमी, आए का मतलब आ, गया का मतलब गया, हनुमान का मतलब हनुमान, जिमी का मतलब जैसे। जैसे ही हनुमान आए, अर्थात जड़ी बूटी लेकर, संजीवनी बूटी लेकर जब हनुमान ने प्रवेश किया या वो पता चला कि हनुमान आ गया है, करुणा में वीर रस, तो ऐसा लगता है जैसे करुण रस कब होता है, जब दुख का भाव हो, व्यथित हो, कोई पीड़ा हो तब। तो कहते करुणा मैं का मतलब के अंदर, करुणा के अंदर अर्थात करुणा भरे माहौल में, दुख भरे माहौल में वीर रस की उत्पत्ति, अर्थात उत्साह और उमंग भर गया। जैसे ही हनुमान संजीवनी बूटी लेकर आए वैसे ही दुख की घड़ी में क्या है, उत्साह और उमंग भर गई। यहाँ पर करुण रस के बीच वीर रस आया हुआ है। आगे चलते, हर्षी राम भटेऊ हनुमाना।
हर्षी का मतलब खुश होकर, राम का मतलब राम, भटेव का मतलब मिलना, यानी हनुमान से मिलकर श्री राम बहुत खुश हुए। क्यों? क्योंकि वो संजीवनी बूटी ले आए थे, इसलिए वो बड़े खुश हुए कि चलो अब मेरा भाई जीवित हो जाएगा। अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना, सुजाना का मतलब समझदार, यानी हनुमान जो है उन सभी वानरों में सबसे समझदार था, इसलिए उस समझदार वानर के लिए प्रभु श्री राम ने अत्यंत कृतज्ञता प्रकट की, धन्यवाद प्रकट किया हनुमान का कि आप जड़ी बूटी ले आए, इससे मेरा भाई जीवित हो जाएगा, आप सबसे समझदार और बुद्धिमान हैं। तुरंत वैद्य तव कीनी उपाय, तुरंत का मतलब तभी, वैद्य का मतलब वहां पर जो डॉक्टर है उसके लिए आया, तब कीनी उपाय, तब उसने उपाय किया, यानी तुरंत वैद्य ने संजीवनी बूटी से लक्ष्मण का उपाय कर दिया, अर्थात वो उसको दवाई जड़ी बूटी दे दी। उठ बैठे और जड़ी बूटी मतलब पिलाते ही उठकर बैठ गए लक्ष्मण हर्षाई, हंसते हुए लक्ष्मण उठकर बैठ जाते हैं। हृदय लाई प्रभु भटेव भ्राता, हृदय से लगाकर प्रभु मतलब श्री राम ने भटेव का मतलब अपने भाई से मिलना, भ्राता मतलब भाई, अपने भाई से मिले, अर्थात जैसे ही लक्ष्मण मूर्छित होकर उठे खुश हुए और अपने भाई को गले लगाते हुए, राम ने लक्ष्मण को गले लगाते हुए अपने भाई से सहर्ष मुलाकात की, उसे हृदय से लगाया। हर्षे सकल भालू कपि भ्राता, हर्षे का मतलब खुश हुए, सकल का मतलब सभी, मतलब वहां पर जितने भी उपस्थित थे कौन कौन, भालू कपि का मतलब यहाँ पर बंदर से है, भ्राता का मतलब समूह, जो भी भालू सेना या वानर सेना वहां उपस्थित थी सभी लक्ष्मण को जीवित देखकर सभी खुशी से झूम उठे। कपि पुनि वैद तहां पहुंचाया, यानी कि जब लक्ष्मण का जड़ी बूटी से उस वैद ने इलाज कर दिया या संजीवनी बूटी पिलाकर उसे जीवित कर दिया, तब कपि का मतलब यहाँ हनुमान से है, पुनि का मतलब दोबारा से, वैद तहां, तहां का मतलब वहां पर पहुंचा दिया, यानी कि उस हनुमान ने उस वैद को वहीं पर पहुंचा दिया। जई विधि तब ही ताही लई आवा, यानी जिस विधि से वो उस डॉक्टर को लेकर आया था, वहां जहां से लेकर आया था उसी विधि से उसने उस डॉक्टर को वहीं पर मतलब पहुंचा दिया, उसके निवास पर पहुंचा दिया, उपाय होने के बाद डॉक्टर को वहां तक छोड़ आए जहां से उस डॉक्टर को लेकर आए थे। यह वृतांत दशानन सुने, जब ये वृतांत, जब दशानन को मतलब रावण, रावण ने जब ये वृतांत सुना कि लक्ष्मण फिर से जीवित हो उठा है, सुनकर अति विषाद, उसे बहुत ज्यादा दुख हुआ। पुनि पुनि सिर धुनेऊ, ऐसा मतलब जो दुख का समाचार सुनकर वो बार बार अपना सिर पीटने लगा कि अब मैं क्या करूंगा, मुझे लग रहा था कि वो हार जाएंगे लेकिन अब तो लक्ष्मण भी जीवित हो उठा है, तो वो अपनी मतलब दुख, जो दुखद समाचार मिला था उसके कारण वो अपना बार बार सिर पीट रहा था कि अब क्या किया जाए। व्याकुल कुंभकर्ण पही आवा, व्याकुल का मतलब दुखी होकर, कुंभकर्ण का मतलब कुंभकर्ण उसका भाई जो था छोटा, पही का मतलब पास, ठीक है, यानी यहाँ पर लिखा हुआ है पास आवा, यानी अपने भाई कुंभकर्ण के पास आता है। विधि जतन करी, विधि का मतलब बहुत अधिक विचार विमर्श करके, जतन करके, प्रयत्न करके, करी का मतलब करके, ताही जगावा, उसको जगा है, क्योंकि कुंभकर्ण जो है वो गहरी नींद में सोया हुआ था और नगाड़े बजाने या हाथियों के चिंगाड़ से भी नहीं उठता था, तो यहाँ पर कह रहा है कि कुंभकर्ण को उठाने के लिए बहुत उसने यत्न किए, प्रयास किए, तब जाकर वो जागा। जागा निशाचरी देखी कैसा, कहते जब वो निशाचर जागा, निशाचर का मतलब राक्षस है, राक्षस मतलब कुंभकर्ण से है, कहते जब कुंभकर्ण जागा देखी कैसा, कहते वो देखकर कैसा लगता होगा आप विचार कीजिए, कहते ऐसा लग रहा था मानो काल देहे धरी वैसा, मानो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है, मानो काल यानी कि काल का मतलब यहाँ मौत से है और मौत के देवता होते यमराज, तो कहते मानो यमराज ने का देह धारण कर रखे, यानी मानो साक्षात वो यमदूत बन गया हो, काल मृत्यु का काल बन गया हो, ऐसा रूप उसने धारण किया हुआ था, इतना रूप जैसे उसने, ऐसे लग रहा था जैसे मानो उसने काल का रूप अर्थात यमराज का रूप धारण कर, बड़ा भयानक लग रहा था देखने में। कुंभकर्ण बूझा कहू भाई, जब कुंभकर्ण जागा तो उसने दशानन अर्थात रावण से पूछा, बूझा का मतलब बूझना, कहो का मतलब कहो, भाई का मतलब भाई, हे भाई कहो किस मुसीबत के कारण मुझे जगाया है। काहे तब मुख रहे सुखाई, कहते हे भाई किस लिए तुम्हारा मुख सूख रहा है अर्थात चिंताग्रस्त दिखाई दे रहा है, ऐसा लगता है तुम्हारे मुख को देखकर जैसे तुम किसी दुविधा या दुख में पीड़ित हो। कथा कही सब तेही अभिमाना, तब कुंभकर्ण के पूछने पर
हनुमान सॉरी कुंभकर्ण के पूछने पर रावण ने कथा कही सब तेही अभिमाना, वो सारी कथा कही अभिमान के साथ, गर्व के साथ, जैसे उसने बहुत मतलब गर्व का काम किया हो, ऐसी इस तरह से उसने अपनी सारी कथा बताई। कौन सी कथा, कौन सी, जही प्रकार सीता हरियाणी, जिस तरह से उसने सीता का हरण किया, उस सारी कथा को उसने विस्तार से और गर्व से बताया कि मैंने ऐसा कर दिया है। तात कपही सब निशाचर मारे, ये सुनने के बाद कि मैं सीता का हरण करके ले आया हूं और किस तरह से किया है, मतलब उनके पीछे से इस तरह की उसने सारी बातें बताई। तात कप ही, अब वो कहता है तात का मतलब हे भाई, कपहीन का मतलब वानर सेना ने, सब का मतलब सारे, निशाचर का मतलब राक्षस, मारे का मतलब मार दिया है। हे भाई, उन वानरों ने तो हमारी सेना के सारे राक्षसों को मार दिया है। महा महा योद्धा संहारे, कहते मेरे पास जितने भी महान महान योद्धा थे उन सब का संहार कर दिया, अर्थात उन सबको मार डाला। दुर्मुख, कहते ऐसे भयानक मुख वाले, जिनके मुख को देखकर जनता डरती है, कहते ऐसे मुख वाले सुर रिपु, अब यहाँ पर सुर रिपु का मतलब है देवताओं के दुश्मन। अब वो कहते है, कहते दुर्मुख जिसका मुख भयानक हो, ऐसे राक्षस थे मेरे पास सुर रिपु, जो दानवों के दुश्मन है अर्थात देवताओं के भी दुश्मन है, ऐसे महान मेरे पास राक्षस थे। मनुज अंसारी, जो मानव को खा जाए, ऐसे राक्षस थे। भटका मतलब महान योद्धा, अतिकाय का मतलब जिनका विशाल शरीर हो, अकंपन का मतलब जिनको देखकर लोग कांपे, ऐसे भारी भरकम भारी शरीर वाले राक्षस मेरे पास थे, उन सबको किसने, उस वानर सेना ने मेरे महान महान योद्धाओं को मार दिया। अब यहाँ पर फिर से देखिएगा, दुर्मुख का मतलब ऐसे राक्षस जिनका मुख भयानक हो, अर्थात कई मुखों वाले हैं, कुछ ऐसे राक्षस जो देवताओं के भी दुश्मन है, अर्थात देवताओं से भी ज्यादा उनके पास शक्ति है, ऐसे राक्षस जो मनुष्य का भी संहार कर ले, आखिर मानव को ही निगल जाए, मानव को ही खा जाए, ऐसे महान योद्धा विशाल शरीर वाले जिनको देखकर लोग कांपे, ऐसे भारी भरकम काया वाले सभी महान योद्धा जो रावण के थे, उन सबको उस वानर सेना ने मार दिया। अपर महोदर आदिक वीरा, अपर का मतलब हे भाई, दूसरा भारी पेट वाले, यानी कि ऐसे इतने भारी पेट वाले कि कोई दूसरा इस संसार में है नहीं, यानी कि बहुत मोटे ताजे, ऐसे आदि का मतलब आदि, वीर का मतलब वीर योद्धा, यानी ऐसे भारी पेट वाले जो भारी भरकम होते हैं, कहते ऐसी विशाल काया वाले उसको दानवों को भी उस वानर सेना ने मार दिया। परे समर मही, कहते पड़े हैं समर में, समर का मतलब युद्ध भूमि में, सब रण धीरा, कहते ये सारे रण धीर जिन पर मैं गर्व करता था उन सबको वानर सेना ने मार दिया है। जब ये सारी बातें उसने कुंभकर्ण ने सुनी तो उसने रावण से क्या कहा, सुनी दशकंदर वचन तब कुंभकर्ण बिखलान, ये सारे वचन सुनकर, दशकंदर का मतलब दस मतलब मुख वाला अर्थात रावण, रावण के वचन सारे सुनकर, यानी जितने भी उसने बखान किया अपनी वीरता का, कहते वो सारी सुनकर कुंभकर्ण बिखलान, कुंभकर्ण खुद ही उस पर बिलखने लगा, बखान करने लगा कि हे भाई तुमने ये गलत किया है। और कैसे समझाया, जगदम्बा हरि आने, कहते हे भाई वो सीता नहीं, वो तो साक्षात जगत जननी है अर्थात दुर्गा का रूप है। हरि आने, कहते तू उसे हर लाया है, अब सठ हे, अब हे मूर्ख चाहत कल्याण, हे मूर्ख अब तेरा कल्याण नहीं हो सकता, जब तक श्री राम तुझे मौत ना दे दे तब तक तेरा कल्याण संभव नहीं है। क्यों, क्योंकि तूने जगत जननी अर्थात दुर्गा स्वरूप उस सीता का हरण किया है, तूने मूर्खता की है, हे भाई तेरा बचना मुश्किल है, इसलिए तेरा कल्याण तो श्री राम भगवान श्री राम ही कर सकते हैं। इस तरह से यहाँ पर दिखाया गया है कि किस तरह से लक्ष्मण मूर्छित होता है और उनके बीच वार्तालाप होता है, ये सारी चीजें। बस ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है, अगला पाठ पढ़ेंगे अगली वीडियो में।